तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं सुमित ठाकुर। तो सबसे पहले बात करेंगे अमन दत्तरवाल के बारे में। तो अमन दत्तरवाल गए हुए थे बेंगलोर अपने पहले सेमिनार के लिए। इसी को लेकर उन्होंने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा है बेंगलोर वाज हाउसफुल ग्राउंड, जिसमें उनके सेमिनार में काफी ज्यादा लोग आए हुए थे। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग अमन दत्तरवाल का सेमिनार अटेंड करने पहुंचे। और इसी वीडियो में वे स्टेज पर लोगों को स्पीच दे रहे हैं और लिखा फुल एनर्जी ग्रेटफुल लव यू बेंगलोर 3000। और स्टेज पर एंट्री करते वीडियो में लिखा इसकी उम्मीद नहीं की थी, ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है आशीष चंचलानी के अबाउट में। तो आशीष चंचलानी को यूट्यूब पर वीडियो कंटेंट बनाते हुए 8 साल हो गए। तो इसी के अबाउट में उन्होंने इंस्टा पर ये वाली स्टोरी पोस्ट की और लिखा आई कम्प्लीटेड 8 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री टूडे। तो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है संदीप महेश्वरी वर्सेज प्रखर के प्रवचन की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसी के बारे में अपडेट है। तो संदीप महेश्वरी के चैनल पर ये वाला वीडियो अपलोड हुआ था। तो इस वीडियो की छोटी क्लिप को प्रखर गुप्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। पहले आप इस छोटी क्लिप को देख लीजिए। कोई बहुत अमीर फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे कि इनके पेरेंट्स के पास में इतने पैसे हैं कि इनको अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए या ये करे वो करे, कुछ नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड जैसे बताया। तो प्रखर गुप्ता ने इसी के अबाउट ट्वीट किया आई हैव द डिस्टिंक्ट ऑनर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द कंटेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेंट क्रिएटर इन द वर्ल्ड। गाय टॉक्स अबाउट मी, माय आइडियाज, माय एक्शंस, माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। ही जस्ट नेवर आंसर मी क्वेश्चंस। ये सिखाता है तुम्हें साउंड ऑफ साइलेंस। इसके दिमाग से मेरी आवाज निकल नहीं रही। तो पी पॉय ने भी संदीप महेश्वरी को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट किया था। तो इस पर प्रखर गुप्ता ने लिखा पी पॉय डज इट फील बैड दैट योर डैडी थिंक्स मोर अबाउट मी देन यू इवन दो यू डू सो मच क्रेंजी स्टफ फॉर हिज अफेक्शन। संदीप पीपो ये लो नया वर्ल्ड व्हाट एपोटिज्म और फेक ये ट्विटर पर प्रखर पर पीपो बट डैडी इसका मतलब संदीप किससे फर्क पड़ता है, हमारी ऑडियंस को लगेगा हम भी स्मार्ट हैं। तो दोस्तों आप लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ने अपने इंस्टा पर ये वाली फोटो शेयर की थी जिसमें उन्होंने क्लीन शेव करवा रखा था। तो लोगों ने पूछा आपने क्लीन शेव क्यों करवाया है। तो अब भुवन बाम ने इंस्टा पर ये वाली फोटो शेयर की जिसमें लोगों ने कहा एक दिन में दाढ़ी कैसे आ गई। तो इस पर भुवन बाम ने क्या रिएक्ट किया आप खुद ही देख लीजिए। तुम पुरानी फोटोज नहीं डालते क्या। तो दोस्तों ऐसे ही और YouTube कम्युनिटी न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।